स्वागत है दोस्तों एक नए और व्लॉग में। और आज मैं साउथ अफ्रीका में अपनी पहली डोमेस्टिक फ्लाइट लेने जा रहा हूँ। जैसे आपको पता है, मैं पिछले कुछ सालों से साउथ अफ्रीका में रह रहा हूँ और इस दौरान मैंने साउथ अफ्रीका की कुछ जगह एक्सप्लोर की है और मेरे वो एक्सपीरियंस मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में डाले हैं, जो आप मेरी चैनल में जाके देख सकते हो। आज 2 हफ्ते जोहानिसबर्ग रहने के बाद मैं पोर्ट एलिजाबेथ वापस जा रहा हूँ और ये मेरी साउथ अफ्रीका की पहली डोमेस्टिक फ्लाइट है। सुबह चाय नाश्ता करने के बाद मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद हम घर वापस जा रहे हैं। तो ये मेरा सामान है, ये मेरे ब्रदर इन लॉ का सामान है। तो बस जोहानिसबर्ग को गुड बाय बोलने के बाद मैं अपने सफर की ओर आगे बढ़ता हूँ। आज से 2 हफ्तों पहले पोर्ट एलिजाबेथ से जोहानिसबर्ग में बाय रोड आया था, जहां मैंने जोहानिसबर्ग की लाइफस्टाइल देखी, कुछ दोस्तों से मिला, कैसीनो में गया, यहां की नाइट लाइफ देखी, रेस्टोरेंट में गया, यहां का जो खाना होता है वो मैंने एक्सप्लोर किया। और ये सारी चीज़ों को समझते हुए आज मैं पोर्ट एलिजाबेथ वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं आगे भी साउथ अफ्रीका की बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करता रहूंगा और उसके व्लॉग बनाता रहूंगा। तो अभी हमने अपना सिक्योरिटी चेक अभी फिनिश किया एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट। जोहानिसबर्ग एक पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ एक शहर है और अभी मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ वो समंदर किनारे बसा एक छोटा सा शहर है। थोड़ी ही देर में हमारी फ्लाइट आ जाती है, जो कुछ ही देर में टेक ऑफ होने वाली है। और थोड़ी ही देर में हमारी फ्लाइट रनवे पे जाती है। डेढ़ घंटे की फ्लाइट थी, हमें टाइम भी पास करना था और मैं जानना चाहता था कि प्लेन कितनी स्पीड से उड़ता है, और वो जानने के लिए मैंने अपने फोन से स्पीडोमीटर ऑन कर लिया, जिससे मुझे पता चले प्लेन कितनी स्पीड से जा रहा है। अब बारी थी हमारे प्लेन के टेक ऑफ होने की और हमारा स्पीडोमीटर ऑन था। और कुछ ही सेकेंड्स में 425 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारा प्लेन टेक ऑफ होता है। जो तकरीबन 815 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे जाके रुक जाता है।
टाइम पास भी करना था, इसलिए थोड़ी देर के बाद हम एक चॉकलेट लेते हैं और चॉकलेट खाने के बाद मैं सीधा सो जाता हूँ। एक घंटे के अंदर जोहान्सबर्ग के पहाड़ों से होकर अब हम जा रहे हैं समंदर किनारे, और ये है पोर्ट एलिजाबेथ का समंदर। और पोर्ट एलिजाबेथ एक पोर्ट है जहाँ दुनिया भर से शिपिंग कंटेनर्स आते हैं, और ये है पोर्ट एलिजाबेथ जहाँ पे मैं रहता हूँ, और कुछ ही मिनटों के अंदर हमारी फ्लाइट लैंड होने वाली है। और हमारी फ्लाइट पोर्ट एलिजाबेथ में लैंड हो रही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप ये चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी अच्छे व्लॉग्स बनाता रहूँगा।